हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पढ़े मेरा जो आज के फिफ्थ स्टैंडर्ड की साइंस के साथ आज का हमारा चैप्टर करना है ट्रांसपोर्ट। तो चलिए नोट्स कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है ट्राई दिस में हम क्या देखते हैं, एक लड़का को स्कूल जाना है। अभी स्कूल जाने के लिए उसके पास तीन ऑप्शन है, एक चल के जाना, दूसरा बाइक से जाना या साइकिल से जाना और तीसरा गाड़ी से जाना। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं। आपका कोई भी एक दोस्त ले लो, उसका उसके पास का घर, उसके पास का गार्डन या उसके पास का शॉप या जो भी चीज आपके स्कूल से 1 किलोमीटर दूर हो वो चूज कर लो। पहले दिन आप क्या करो, उस जगह से आपके स्कूल तक चल के जाओ, दूसरे दिन साइकिल पे चल के जाओ, तीसरे दिन एक बाइक या एक स्कूटर पे चल के जाओ, चल के नहीं स्कूटर पे जाओ। While doing this, always take your bag, school bag with you. Use the same routine for all three journeys. Now note down first time taken for each journey on each of the 3 days. Which journey took the longest time and which took the shortest? Which of the journey do you have to carry your own things? Which was the most comfortable journey? Which journey did you use fuel? Sixth, on which journey were you most bothered by smoke and noise? Okay, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है टाइम। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे चलने में लगा, फिर उससे थोड़ा सा कम टाइम मुझे साइकिल करने में लगा, और जो गाड़ी से जा गया मैं तभी मुझे सबसे कम टाइम लगा। सेकंड, कौन सी जर्नी में सबसे ज़्यादा टाइम लिया और कौन सी जर्नी में कम, सबसे ज़्यादा टाइम चलने वाली जर्नी में लिया और सबसे कम गाड़ी से। दूसरी, कौन सी जर्नी में आपको खुद की थिंग्स कैरी करनी थी, वो है ए में, मतलब चलने में साइकिल के पीछे मैं रख सकता हूँ और गाड़ी में तो मैं सामान रख ही सकता हूँ। ऐसी कौन सी जर्नी थी जिसमें आपने फ्यूल यूज़ किया, वो है थर्ड। और कौन सी जर्नी थी जिसके थ्रू आप स्मोक और नॉइज से बॉर्डर थे, दोनों जर्नी ए और बी, चलना और साइकिल से, क्योंकि उसके टाइम मैं गाने नहीं लाइक आवाज़ें आ रही थी, लोग मैं फुटपाथ से जा रहा हूँ तो लोग पी 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 और फिर स्मोक के आ रहा हूँ, और जब मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर हूँ, गाड़ी के अंदर स्मोक और पॉल्यूशन नहीं है। सारे क्वेश्चन से हम ये देखेंगे कि चलना बहुत ज़्यादा टाइम और जो तुम्हारा लेबर है खुद की चीज़ों में उठाने के लिए वो जाता है, पर जब तुम एक व्हीकल यूज़ करते हो उसमें तुम्हें टाइम भी बच जाता है, तुम्हारा एफर्ट भी बच जाता है, पर तुम्हें फ्यूल यूज़ करना पड़ता है और इस फ्यूल यूज़ करने के कारण एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन कॉज होती है। दिस मीन्स दैट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव डिफरेंट एडवांटेज एंड डिफरेंट डिसएडवांटेजेस। अभी जो डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनके अलग एडवांटेज होते हैं और उनके अलग डिसएडवांटेज होते हैं, उसके कारण हम ये एक बात जान सकते हैं कि एक सारी ट्रांसपोर्ट जो होती है वो सबसे एकदम ऐसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, सबका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होगी। टुडे की जो आज की जो हाई स्पीड वर्ल्ड है उसमें हमें बहुत सारे ट्रैवल के जो मोड है वो बहुत सारे हैं और ट्रांसपोर्ट के जो मोड्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, पर मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मैनी एडवांटेजेस। देखो अभी जो मॉडर्न मीन्स है उनकी ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वर्क जल्दी हो जाता है, टाइम और एफर्ट बच जाता है, ऊपर से जो ट्रेड फैसिलिटी है वो भी जल्दी हो जाती है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ कनेक्टेड ड्यू टू ट्रांसपोर्ट फैकल्टीज, जो अलग अलग पार्ट है वो दुनिया के वो ट्रांसपोर्ट के कारण कनेक्टेड है। ट्रांसपोर्ट्स ऑफ गुड इवन ऑफ अ ग्लोबल लेवल हैज़ बिकम सिंपल एंड ईजी, so many things are easy available, the lifestyle of people has improved, the faculty of tourism and health education have become speeder। तो ये सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी इसके कारण हम ये क्या जान सकते हैं कि इन सारी चीज़ों के कारण हम ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा इजीली और बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आज कल बस नहीं, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और तब तक के लिए good।